मैं जो है भाई मेरी पिछला वीडियो देख रहा था, और अगर आपको पता होगा और अगर आपने वो वाली वीडियो देखी नहीं है तो देख लेना, क्योंकि वो वाली वीडियो में हमने जो मॉन्टाज बैटल किया था, तो वो वाली वीडियो में गाइस हम तीनों ने जो है 2 दिन लिए थे एक मॉन्टाज एडिट करने के लिए। और गाइस ऑब्वियसली 2 दिन जो है काफ़ी है, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है 3 दिन लेते हैं या फिर कुछ कुछ लोग 1 हफ्ते भी लेते हैं एक मॉन्टाज को एडिट करने के लिए। ऑब्वियसली वो शायद बेटर होगा, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि यार हम क्या उस टाइप का मॉन्टाज एक दिन में एडिट कर सकते हैं। सो उसके बाद मेरे को लगा या इट्स पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल तो चीज़ नहीं है कि यार एक दिन में आप मॉन्टाज एडिट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्या हम मॉन्टाज या फिर एक गेमिंग मॉन्टाज 10 मिनट में एडिट कर सकते हैं। मे बी इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन ट्राई करने में क्या आ जाता है, राइट? सो यार मैंने ये वाली वीडियो के लिए सोचा कि यार ये वाली वीडियो में हम जो है 10 मिनट में एक वैलोरेंट गेमिंग मॉन्टाज एडिट करेंगे। सो यार पिछले वाली वीडियो देखकर है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार हमें क्लिप्स दे दो, हमें भी एडिट करना है, हमें भी जो है मॉन्टाज बैटल में जो है पार्ट लेना है। सो यार मैंने एक कॉन्टेस्ट सोचा है या फिर एक बैटल सोची है जिसमें आप सब लोग पार्ट ले सकते हो और मे बी आप जो एक प्राइज पूल भी जीत सकते हो। सो यार ये वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसके वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है ये वाली वीडियो में पार्ट लेने के लिए या फिर ये वाले जो है मॉन्टाज बैटल में पार्ट लेने के लिए। So make sure to watch this video till the end. Tab tak click guys without any more further ado, let's get straight into the video. सर फाइनली वी आर हियर ऑन स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई मैंने जो है 3 क्लिप लिया था, 2-3 आप देख ही पा रहे हो, तो उसको मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर दिया प्रीमियर प्रो में। उसके बाद मैंने जो है सबसे पहले देखा क्लिप को सारे, लेकिन मेरे को पता था मैं जो है एक ही यूज़ कर पाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 यूज़ कर पाऊंगा, लेकिन मैंने जो ये वाली क्लिप चूज़ की क्योंकि इसमें जो है स्टार्टिंग में अच्छी बीट थी और इसका जो शॉट था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने ऐसे सोचा कि यार स्टार्टिंग में अपन पहली जो शेरिफ की जो मैंने 1 टैप मारा था वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने जो है सोचा कि यार स्टार्टिंग में जो सॉन्ग है उसको थोड़ा ट्रिम करता है क्योंकि वो बहुत बड़ा सॉन्ग था। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत मैंने स्टार्टिंग में उसको ट्रिम किया, फिर उसको जो है यहाँ पे ला के रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा यार सिनेमैटिक डालते हैं क्योंकि एक तो ऑब्वियसली पड़े ही थे मेरे पास सिनेमैटिक, जो बाइंड का मैंने सिनेमैटिक डाला, उस पर थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग की, मतलब ऑब्वियसली मैंने प्रीसेट यूज़ किया, मेरे पास मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं मैजिक बुलेट या फिर ऐसी कोई प्लगइन यूज़ कर सकूं, और मेरे को जो है भाई टाइम रीमैपिंग करने के लिए मेरे को सिंपल वाला टाइम रिवाइविंग यूज करना पड़ा जो प्रीमियर मतलब प्रोवाइड करता है। मैं आफ्टर इफेक्ट्स में ट्विक्स्टर या फिर इसमें भी ट्विक्स्टर वगैरह यूज नहीं कर पाया, मैंने जो सिंपली ऑप्टिकल फ्लो यूज किया। ऑप्टिकल फ्लो आपको अगर पता नहीं है तो आप राइट क्लिक करके अपने क्लिप्स पे जो है टाइम में जाकर जो है ऑप्टिकल फ्लो जो है मतलब सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी क्लिप और स्मूथ लगे और अच्छे से। उसके बाद गाइस मैंने जो है कुछ इस तरह से जो है पिन किया, उसके बाद 1-2 जो है थोड़ा बहुत स्लोमो किया, उसके बाद एक जगह जो है फास्ट किया, और इस तरह से जो है मेरी जो है क्लिप रेडी हो गई थी स्टार्टिंग की। उसके बाद ये इसमें भाई मेरे मतलब 5 मिनट उसमें ही चले गए क्या पता कैसे। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे एक क्लिप लिया, उसके बाद मैंने उसको भी जो है सेम कलर ग्रेड मैंने क्लोमेट्रिक्स कलर जो है अपना मतलब सिनेमैटिक में से कॉपी किया और ये क्लिप पे डाला, सेम टू सेम कलर ग्रेड था और मेरे को अच्छा भी लगा। मैं इस पर स्काई ग्लो मतलब जो स्काई ग्लो है वो भी डाल सकता था, लेकिन ऑब्वियसली टाइम नहीं है सो या। और उसके बाद यार मैंने जो है ये जो क्लिप को अच्छे से देखा कि यार कैसे हम जो इसको एडिट कर पाएंगे, उस पर मेरे 2 मिनट चले गए। लास्ट के 3 मिनट में मैंने इतना सब पार्ट किया है। उसके बाद एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने 1-2 बार जूम इफेक्ट डाला थोड़ा बहुत इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत फ्लैश के ऊपर फ्लैश डाउन फ्लैश अप इफेक्ट डाला जो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट से आप डाल सकते हो। उसके बाद गाइस मैंने जो है यहाँ पे पहले देखा कि बीट कहाँ पे है, तो बीट यहाँ पे थी, तो यार मैंने जो है सीधा एक शॉट लेके उस पर रख दिया बीट अपनी। और इसके बाद जो है मैंने सोचा इस क्लिप को जो है हम देते हैं क्रोमेटिक इफेक्ट, जो क्रोमेटिक एबरेशन इफेक्ट है, जो क्रोमेटिक एबरेशन इफेक्ट है वो मैंने इसको दिया और उसको जो है थोड़ा बहुत की फ्रेम किया। ये तो आराम से हो जाता है, मतलब 10 मिनट के मतलब 5 मिनट के आसपास तो हो ही जाता है ये जल्दी से। उसके बाद जो है मैंने इसको क्रोमेटिक इफेक्ट दिया, उसके बाद जो है फ्लैश इफेक्ट दिया। फ्लैश इफेक्ट के लिए मैंने जो है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया था। उसके बाद ये जो है कुछ इस तरह से निकला था, मतलब इसके जो फाइनल था वो इस तरह से कुछ निकला था, और मैं जो है थोड़ा बहुत सेटिस्फाई था कि अच्छा दिख रहा है। उसके बाद गाइस मैंने जो है सेकंड बुलेट के लिए मैंने थोड़ा बहुत स्लोमो किया, थोड़ा बहुत फ्लैश किया, और उसके बाद जो सेकंड बुलेट लगा दी क्योंकि यार मेरे को भाई लिटरली फ्लैश डालने में भी मेरे को टाइम नहीं मिला, दैट्स व्हाई। और मैंने इतना जो है ये गाना या फिर इतना मॉन्टाज जो है कंप्लीट किया 10 मिनट में, और अब मेरे ख्याल से या मेरे को लगा थोड़ा और ज़्यादा कर सकता था, लेकिन यार ठीक है मतलब 10 मिनट के हिसाब से। सो ओके टाइम्स अप, 10 मिनट हो चुके हैं, हियर इज द फाइनल रिजल्ट।
वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में, बेबी आई यू। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट मोंटाज बैटल। तो ये वाली वीडियो में गाइस आपको जो है सबसे पहले तो ये वाली वीडियो को लाइक करना है, ये वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको जो है ये वाले चैनल को पहुंचाना है 2K सब्स पर। मैं जो है 1500 का गोल रखने वाला था, लेकिन 1500 तो भाई बहुत जल्दी हो जाएंगे, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए वो वाले बैटल के लिए, इसलिए मैंने जो 2K सब्स का जो है गोल रखा है। अगर आपने मेरे को 2K सब्स पर पहुंचा दिया तो यार हम जो है बैटल स्टार्ट कर देंगे, मतलब बैटल में वही अनाउंस करूंगा। और इस बैटल में क्या रहेगा कि आपको मैं कुछ क्लिप्स दूंगा 4-5, और आपको जो है कोई भी नॉन कॉपीराइट सॉन्ग यूज करके जो है एक मोंटाज एडिट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब की जो अनाउंसमेंट है और क्लिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा 2K सब्स पर। तो ये वाली वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो ऐसे मत करना कि भाई उन लोग को भेज दिया जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है ये वाले चैनल पर, उनको बोल दिया सब्सक्राइब कर दो, ऐसे मत करना यार। अपने को जो लॉयल ऑडियंस चाहिए जो सही में इस कंटेंट को एंजॉय करे और नया कुछ सीखे। सो यार आप जो उनको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिनको ये चीजों में इंटरेस्ट है, और हम जो है 2K सब्स पर इस कॉन्टेस्ट का जो है अनाउंसमेंट कर देंगे। सर होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आए होंगे, ये वाला मोंटाज पसंद आया होगा जो मैंने 10 मिनट में एडिट किया था। ऑब्वियसली 10 मिनट यार बहुत कम है एक प्रॉपर मोंटाज एडिट करने के लिए, लेकिन ये एक चैलेंज था तो यार ये सब चलते रहता है। सर होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आए होंगी, लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम जो है 2K सब्स पे जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही मैं जो है इस कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट करूंगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, टिल देन माय नेम इज एसबी, दिस इज माय चैनल, आई एम साइनिंग आउट एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। Goodbye.